just wish he knew. काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार ये बट खान पेंदे पंगे जान जा लेंदे असि बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली करदा है तंग कीड़ा दस बल्ली हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हुंडई i20 की, जिसने ऑटो ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा के रखा हुआ है। तो आइए करते हैं इनके ओनर से बात, इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है और ये गाड़ी कब ली एंड यही गाड़ी क्यों ली, इस रेंज में बहुत गाड़ी आ जाती। तो आइए चलिए एंड पूरी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, आइए चलिए हमारे साथ। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं गाड़ी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। पहले हम इनके ओनर से बात करते हैं। आज हमारे साथ है भाई अभिषेक, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई पहले तो आप अपनी इंस्टा आईडी बताओ, पहले क्या नाम आपके इंस्टा आईडी का? तो आप अगर इस गाड़ी के नए नए सूट देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भाई को फॉलो कर सकते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये मॉडल कौन सा है ये भाई? ये i20 CRDI 2016 पेट्रोल या डीजल? डीजल है। डीजल है। तो आपने मतलब यही गाड़ी क्यों ली भाई? बढ़िया लगा है ये देखने में। नहीं, बढ़िया तो है ही, इस रेंज में अगर क्वालिटी अच्छी है, अच्छा भगे बढ़िया जी, और सस्पेंशन अच्छा है जी 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 बस, और फिर लुकिंग में अच्छी लगा है। लुकिंग में नहीं, इस रेंज में, जिस रेंज में आपने गाड़ी ली, इस रेंज में बहुत गाड़ी आ जाती, जैसे आपकी मान लो वेन्यू भी आ जाती इस रेंज में आपकी, मतलब बहुत गाड़ी आ जाती, तो आपको यही पसंद क्यों आई उस टाइम पे? भाई वेन्यू सब नहीं ना, यही थी बस जी, इसका केवेस था तो इसे लिया था। अच्छा अच्छा, तो बाकी हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो भाई इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे आपने? भाई डायमंड आई है, व्हील रैप हुए पड़े हैं, ग्लोस रैप और सिस्टम लगा हुआ है इंटीरियर में, सीट चेंज है। तो अब मैं आपकी बात काट के अब वन बाय वन बताते रहो, क्या खर्चा आया, कहाँ से डलवाई आपने, क्या क्या चीज लगवा रखी है, तो हमारी ऑडियंस को डिटेल में बताओ आप। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लाइट से। तो भाई लाइट में क्या क्या काम करा रखा है आपने? भाई ये टॉप मॉडल की लाइट है ये, इसमें जी इनमें डायमंड आई के प्रोजेक्टर लग रहे हैं जी, और इनमें 200 वाट की LED लगी हुई है जी, और ये काम हुआ था दिल्ली में भाई जी। जो डायनम लाइट है ये ब्लू कलर की जली है, इसमें कलर चेंज भी करती है? हाँ भाई, मल्टी कलर है। कितने कलर इसमें? बहुत सारे हैं, एक बार चेक कराओगे आप? हाँ दो, आप देख ही सकते हैं मतलब कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, रात में तो बड़ा दिल खुश कर देती है। रात में हाँ लुकिंग अच्छी आ रहा है। क्या प्राइस बैठा था इसका डायनम लाइट का? 5 बैठ गया था भाई, क्योंकि इसमें कोटिंग हुई थी ब्लैक, पूरी फ्रेम अंदर से वाइट थी तो पूरी कोट हुई है ब्लैक जी जी जी। फिर ये प्रोजेक्टर लगाया तो 5,000 की डायमंड आई हुई है, और जो LED है उनका अलग प्राइस है। LED एक बार प्रॉपर पूरी लाइट जला के दिखाओगे? हेलो, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी कितनी प्रीटी लग रही है। तो भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा है इसका प्रोजेक्टर लैंप का? अच्छा है भाई, खूब दूर तक का दिखा दे क्लियर, जैसे डीपर बढ़िया काम करता है। जैसे हमने बॉसों की कमी जो सुनी है हमने प्रोजेक्टर में, जो डीपर देते हैं डीपर बहुत जल्दी खराब होता है, तो ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई ना भाई जी? तो बाकी हमारे मतलब फ्रंट में लाइट हो गई, फॉग लैम्प कंपनी वाले ही है? नहीं नहीं, वो भी चेंज ही है, उनमें LED चेंज है, फ्रेम वैसा कंपनी वाला ही है। तो दोस्तों हमारी फ्रंट की तो बात हो चुकी है, फ्रंट में मतलब भाई ने लाइट में बहुत अच्छा काम कर रखा था, जो मतलब बहुत प्रीटी लुक दे रही थी। हाँ जी बॉस, कितने इंच के टायर आपके ये? भाई ये 17 इंची है मीडियम प्रोफाइल पे जी। कौन से ब्रांड मतलब? भाई टायर तो शायद सीआर के हैं, और व्हील दिल्ली में मिले थे, तो वहाँ कंपनी तो पता नहीं पड़ी थी, जल्दीबाजी में थे ना। अच्छा हाँ। भाई टायर का साइज बताते हैं, ये 225 R17 17 इंच के टायर अलॉय हैं, अलॉय देखो कितने प्रीटी लग रहे हैं, स्टार लुक में है मतलब। तो भाई इसका रिस्पांस कैसा है? व्हीलो का भाई अच्छा है, सस्पेंशन भी अच्छा काम करता है, जैसे ऑफ रोडिंग भी करता हूँ कभी कभार जी, तो वहाँ भी टायर ये अच्छा चलता है जी। तो जैसे मतलब एवरेज कैसा, मतलब एवरेज बढ़िया देती है? हाँ भाई बहुत बढ़िया एवरेज है इसका। क्या एवरेज है भाई? अगर लोकल की बात करें तो 21 या 20 प्लस ही है। 21 और 20 प्लस? हाँ भाई। कैसे भाई, मतलब एवरेज क्या, खुद जानबूझ के डलवा रखा है, मतलब कंपनी इतना तो कंपनी भी नहीं करती। और भाई लॉन्ग पे अगर ले जाए तो लॉन्ग पे 27-28 का देती है। डीजल है, CNG ले रखी है? डीजल ही है। हैं जी? डीजल है भाई। अच्छा, तो इतना एवरेज यार, कंपनी भी इनको नहीं करती कि इतना एवरेज भाई, मेंटेन वही है, टाइम से पहले सर्विस होता है, एवरेज अच्छा है जी जी जी। इससे पहले इसमें 18 इंची थे, उनका भी सेम एवरेज था इसका, मतलब वही 27 लॉन्ग पे 27
और लोकल में 21 22 से 20 प्लस ये लोकल में तो इसका। भाई साहब क्या बात है, मैं तो सारी गाड़ी वाड़ी छोड़ छाड़ के मैं तो यही हत्या लूं। तो भाई बाकी टायर आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, स्टार लुक है। एंड भाई बैक प्रोफाइल में आपने कुछ काम करा रखा है? नहीं भाई बैक में तो कुछ भी नहीं है, बस हिंदू लगा हुआ है पीछे जो अपना। वैसे भाई आपने गाड़ी में एक चीज नोट करी है, भाई ने जेड ब्लैक शीशे करा रखे हैं। वैसे मैं तो आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप झेल सकते हैं चलान वलान तो आप करा सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। एंड भाई ने बैक में कुछ काम नहीं करा रखा, बस सिर्फ इसमें क्या लगवा रखा है, हिंदू, प्राउड भी हिंदू। तो जैसे गाइज हमने फ्रंट की बात करी एंड हमने साइड प्रोफाइल की बात करी, साइड में टायर अलॉय ने मतलब चार चांद लगा दिए इस गाड़ी के। अब हम करते हैं अंदर के इंटीरियर की बात, और भाई से पूछते हैं भाई ने सिस्टम लगवा रखा है मतलब, तो अंदर हम बैठ के प्रॉपरली ढंग से बात करते हैं। हाँ भाई, तो आइए चलिए। तो आ गए हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर आपने मतलब वैसे तो कुछ काम कराया नहीं, जैसे स्टूडियो चेंज है? नहीं भाई, उनका आउटपुट अच्छा नहीं आता ना, जो अलग चेंज करवा लेता कंपनी वाला। स्टीवियस का आउटपुट अच्छा है बहुत ज्यादा, मतलब जो बेस आता है वो अच्छा आता है। हाँ, साउंड भी अच्छी आती है। जी जी, तो इस वजह से मैंने बदलवाई नहीं। बीच में लगवाई थी तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं था जी, एंड्रॉइड आईफोन वाली लगवाई थी जी, तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं था भाई, तो इस वजह से लगवा लिया दोबारा कंपनी वाले स्टीरियो। बाकी इंटीरियर से इंटीरियर चेंज है और K3 लगी हुई है। जैसे भाई ना ये एम्बियंस लाइट लगा रखी है, आप देख सकते हैं। तो भाई ये कलर ये भी चेंज करती है? हाँ भाई, ये मल्टी कलर है, दिखा ना, मतलब स्टार्ट करने पे चेंज होती है ना। वैसे भी हो जाए मैं का बैटरी डाउन हो जाए भाई, एलईडी बहुत पी जाए। अच्छी है, तो इसकी क्या कॉस्ट बैटरी थी, वारंटी भी कुछ इसकी? भाई ये थ्री की इनकी एक साल की वारंटी है। हाँ, तो जैसे भाई बहुत सो की शिकायत मैंने ये सुनी है कि वे लाइट लगा लेते हैं, हाँ भाई, दो चार दिन में खराब हो जाती है ना भाई। ऐसा वो होती है लोकल, ये भाई कम उसकी है, कार्डी की। हाँ भाई जी, आप देख सकते हैं मतलब कितनी प्यारी लुक, कितनी प्रीमियम लुक, रात में बहुत अच्छा लुक आता है इनका रात में। हाँ, और मल्टी कलर है, कोई सा भी कर सकते हैं जी, आप देख सकते हैं। एंड इन्होंने अपने सीट पे भी वर्क कर रखा है। हाँ भाई, तो ये सीट कवर लगा रखी है, पूरी सीट चेंज है ये भाई, पूरी ये अल्ट्रा कंफर्ट वाली सीट है, ये बनवाई थी जी, दिल्ली से जाके डलवा के लाए थे इन्हें। क्या कॉस्ट बैठी थी इसकी भाई? इनकी बैठी थी लमसम 10 के आसपास, 10,000 रुपए में। हाँ भाई, तो इसमें कम्फर्ट है नहीं है भाई? बिल्कुल है, अब मैं खूब लंबे लंबे ट्रिप मारी है इससे, तो अपना एक बार मैं खूब बैठ के चले जाता हूँ इसमें। हाँ भाई, तो जैसे एक लेदर में क्या होता है, लेदर में पसीब नहीं आता। हाँ, इसमें पसीने जा कपड़े, जैसे हमने जैसे ये कपड़े की है लेदर, हाँ रैक्सीन है, तो पसीब वसीब का ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना मजे में जाता है अल्ट्रा कम्फर्ट में। फिर ना तो कमर अकड़ती, ना मतलब अकड़ते नहीं है, ना फिर जर्नस वस टाइट बिज जाते हैं ज्यादा देर बैठे हुए, कुछ नहीं होता। जी 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 जी, अपना अच्छे से जाते हैं जी। नहीं गाड़ी तो मतलब जैसे बाहर से अट्रैक्टिव लग रही है, हल्की सी बहुत गंदी हो रही है, लेकिन अंदर बैठ के भी गाड़ी के भाई ने जो कलर करा रखे हैं, मतलब तो भाई ने जो कवर व्हाइट करा रखे हैं, बैठ के अंदर ही एक नेचुरल मजा सा आ रहा है, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ गाड़ी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बाकी क्या होता है, गाड़ी के अंदर बैठो निकलने का बाहर ज्यादा मन करता। तो भाई की भाई सिस्टम भी लगा रखा है आपने? हाँ भाई, सिस्टम लगा हुआ है इसमें, एक बार आप चेक करोगे? पहले तो अंदर से वॉइस सुनाओ पहले आप। तो भाई आपने सिस्टम मतलब किस कंपनी का लगवा रखा है भाई? जब मेरे मोनो है, मोको है, वो मोनो एम्प वो तो है कंपनी के जी, और जो मेरा सबवूफर है ये वोकल है जी, ये मेरे वैसे बनवाए हुए हैं जी। एक बार साउंड सुनाओगे आप? उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, आप साउंड सुनाओ एक बार। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना तगड़ा बेस, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 2-2.5 लाख का सिस्टम लगवा रखा हो, इतनी तगड़ी आवाज तो उसमें भी नहीं होने की है। आप देख सकते थे ये मिरर कैसे हिल रहा था, ये मतलब कैसे हिल रहा था, इतना तगड़ा बेस था। तो बाकी हम बाहर से दिखाते हैं आपको बाइक का सिस्टम की कितना हैवी सिस्टम, कितना बड़े सिस्टम लगवा रखा है। आगे हम गाड़ी के बाहर, अब हम बाइक का सिस्टम देखते हैं। जैसे मूवी में बिग बॉस में एल्विस भाई ने सिस्टम बजा रखा था, ऐसे हमारे भाई ने भी अपनी गाड़ी में सिस्टम बजा रखा है। तो भाई दिखाना अपना सिस्टम। लो भाई देख, भाई वाह। तो भाई साहब कैसे क्या करके मानोगे इतना तगड़ा सिस्टम? भाई पहले इसमें डबल पेट टिके थे तो वो हल्के पड़ गए, तो ये बड़ा है, एक ही लगवा लिया। मतलब ये तो एक बार में काम कर देती होगी, मतलब एक ही बताया, कहीं शादी वादी में भी ले जाओ तो डीजे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। है ना भाई, छोटी मोटी पार्टियों में खूब तगड़ा बजे। अच्छा, तो क्या प्राइस बैठा था आपका इसका? भाई ये मेरा बूफा था, वो कलो का ही बैठ गया था, 45 के आस पास, 45 का। हाँ भाई, एक बार अब आवाज सुनाओ। लो भाई, अब आप
आप गाइस देखो, आप पेज देख सकते हो, गेट भी है, फुल्ली बराबर सबका पेज है। तो गाइस आप बेस देख ही सकते हो, मैं गेट खोल रहा हूँ, मतलब इतनी इतना साउंड, इतना बेस, मतलब गेट भी ऑटोमेटिक अपना आप ही बंद हो गया भाई साहब। साउंड तो बड़ी क्लासिक, मतलब बेहतरीन लग रखा है। हाँ भाई, तो हम औरों को रिकमेंडेड करें कि ये साउंड लगवाएं ये भी। हाँ भाई, जिस पे जितना बजट हो उस हिसाब से अपना लगवाएं एंजॉयमेंट के लिए। जी, तो जैसे पुलिस वुलिस का जैसे लफड़ा कुछ ऐसा होता है, सिस्टम के ऊपर नहीं होता भाई। बस ये है कि अगर पहाड़ों में जा रहे हो तो वहाँ बजा नहीं सकते, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से। जी जी, तो वहाँ माउंट पहाड़ वहाड़ गिरने का डर है, तो इस वजह से वहाँ तो मना करते पुलिस वाले। वैसे यहाँ अपना चलाओ। अच्छा, मतलब अपने क्षेत्र में कितना भी बजाओ। हाँ, वो जैसे मान लो कहीं पुलिस वाले दिख गए, उन्हें देख के मतलब आवाज बंद हो जाती, कुछ नहीं कहते, आराम से चले जाओ तो। हाँ, कुछ भी ना, पहली बात रोकता ही नहीं भाई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मतलब सिस्टम लगवा सकते हैं, आप फुल काम करा सकते हैं, बस मैं गाड़ी के ब्लैक शीशे को रिकमेंडेड नहीं करूंगा, इस पे बहुत सीन होता है जी। तो भाई आपने ऊपर क्या ब्लैक टेपिंग करा रखी है? भाई ये वो है ग्लोस रैप, पवेलियन वाला जो होता है भाई। अच्छा, ग्लोस में। हाँ भाई, आप देख सकते हैं, मतलब वॉलेट कलर के लुक दे रहा है। मैं बम्पर पे भाई, पहले बोनेट पे भी था, फिर हटा दिया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बाकी तो फिलहाल तो पुराना हो गया ये, है ना? हाँ, बहुत टाइम से लगा हुआ है, बदलवाऊंगा। हाँ, ग्लोस ब्लैक लगवाऊंगा भाई। हाँ, तो गाइस गाड़ी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना, एंड आपको भी कुछ काम कराना है तो भाई ना बताया है, मतलब इतना खर्चा भाई, टोटल क्या खर्चा बैठा आपकी गाड़ी में पूरा सब चीज का? हाँ, में बैठ गया होगा व्हील सिस्टम और इंटीरियर से लेकर ऐसी दो ढाई लाख का, ढाई प्लस का। बस शौक हो तो भाई सब ऐसे हो, मतलब यहाँ किसी पे गाड़ी नहीं, और भाई अपने शौक पूरे करने के लिए दो ढाई तीन लाख रुपए गाड़ी में लगा रहे हैं, तो कैड़ी बात है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी कमी लगी हमारी वीडियो में तो आप कमेंट में बताना, भाई ये कमी लगी, इस चीज को आप सुधारो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।